मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड के पास अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। पुलिस द्वारा बुलडोजर से दुकानों के बाहर का अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं इस कार्रवाई से उस क्षेत्र का यातायात सुगम हो गया है। बता दें कि एसडीएम बालवीर रमन और सीएसपी अमन मिश्रा ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी कि अगर उन्होंने फिर से अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई के दौरान राजस्व नगर पालिका और भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। बस स्टैंड और बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में जो अस्थायी अतिक्रमण थे, गुमटी ठेले थे, उनको जो है तत्काल रवाना किया गया है। ट्रैफिक के सुचारू रूप से चलने के लिए जो पॉइंट हो सकते थे उनमें सभी गुमटी वाले और दुकानदार को समझाइश दी गई और कुछ चालान भी बनाए गए और ये कार्रवाई अगले हफ्ता भी फिर से स्टार्ट रहेगी। ये आज जिला प्रशासन एसडीएम साहब और नगर पालिका के साथ मिलकर अस्थायी गुमटियाँ जो बस स्टैंड में यातायात का मार्ग अवरुद्ध कर रही थी उनके खिलाफ मुहिम चला के कार्रवाई की गई है। जिनको हटाया जा सका हटाया गया है, बाकियों को समय दिया गया है और कंटिन्यू इस रूप से हर सप्ताह कार्रवाई करते जाएंगे। बिना नंबर की बसें घंटों पहले आती हैं, उनके खिलाफ भी यातायात के नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।